जय श्री कृष्णा। तो कल बच्चों हम लोगों ने ये देखा था कि जो कैपेसिटर होता है उसको किसी बैटरी के साथ लगाते हैं तो क्या होता है। जब बैटरी के साथ लगाते हैं तो काफी देर तक उसमें करंट फ्लो करता है, और फिर कुछ समय बाद जब करंट फ्लो करना बंद हो जाता है तो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, और फुली चार्ज होने के बाद उस पर जो चार्ज आता है उसकी वैल्यू CV के बराबर होती है। अब आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कोई भी कैपेसिटर है तो उस कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। मतलब ये है कि जब कैपेसिटर को हम लोग सर्किट में लगाते हैं तो शुरुआत में वो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, शुरू में वो किस तरह से करंट को अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा, लंबे समय के बाद जब काफी समय बीत जाएगा तब वो कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करेगा। तो अब हम लोग कैपेसिटर का बिहेवियर देखने जा रहे हैं, व्यवहार देखने जा रहे हैं कि किस तरह का व्यवहार है कैपेसिटर का। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर। कैसे व्यवहार करता है ये कैपेसिटर, एकदम शुरुआत में जब आपने सर्किट में जोड़ा इसको तब ये कैसे बिहेव करेगा, लंबे समय के बाद ये कैसे बिहेव करेगा, ये हम लोग यहां देखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, थोड़ा मैं आपको समझा दूं फिर वो बातें आपको नोट कराऊंगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक रजिस्टर है, ये एक कैपेसिटर है, ये बैटरी है, और अभी फिलहाल ये स्विच खुला हुआ है। ये रेजिस्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये बैटरी है, स्विच खुला हुआ है। कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, शुरू में कोई चार्ज नहीं इसके बाद। तो अगर ये इनिशियली अनचार्ज है और अचानक से हमने स्विच को बंद कर दिया, ये स्विच जो है, इस स्विच को हमने अगर अचानक से बंद कर दिया, तो जब हम इसको अचानक से बंद करेंगे कैपेसिटर में, शुरू में कोई चार्ज तो है नहीं, तो अगर शुरू में कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं है तो शुरू में इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो Q/C आएगा। अगर इस पे इनिशियल चार्ज जीरो है तो चार्ज अगर इनिशियल जीरो है तो जो इनिशियल क्यू की वैल्यू जीरो कर देंगे हम तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो यानी इसका जो इनिशियल पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो जीरो के बराबर होगा। ध्यान से सुने, ये कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था और हमने स्विच को क्लोज किया, जैसे ही स्विच को बंद करेंगे उसके बाद इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, लेकिन इनिशियल ड्रॉप जो है इस कैपेसिटर का वो जीरो होगा, क्योंकि ड्रॉप होता है Q/C, इनिशियली इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इनिशियल ड्रॉप इसका जीरो होगा। और अगर इनिशियल ड्रॉप जीरो होगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शुरू में ये कैपेसिटर जो है वो एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है T=0 पे। जैसे ही हमने स्विच बंद किया, बंद करने के तुरंत बाद यहाँ कोई ड्रॉप नहीं है, तो अगर कोई ड्रॉप नहीं है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये कैपेसिटर जो भाई, अगर सिंपल एक हम रेजिस्टिंग वायर भी ले लें तो उसका भी ड्रॉप जीरो होता है। तो इसको जैसे ही हम स्विच बंद करेंगे इसका चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो होने की वजह से ड्रॉप जीरो होगा, ड्रॉप जीरो की वजह होने की वजह से हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि इसका बिहेवियर एक प्लेन वायर की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को एक इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन के तौर पर आप इसको नोट कर लें। When an initially uncharged, when an initially uncharged, when an initially uncharged, यहां पर लिखा मैंने when an initially uncharged capacitor, इसी के continuation में लिख रहा हूं मैं, कैपेसिटर इज ब्रॉट ब्रॉट इन ए लाइव सर्किट। जब कोई इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर किसी लाइव सर्किट, लाइव मतलब जिंदा सर्किट, जो सर्किट एक्टिव है उस सर्किट के अंदर लाया जाता है, व्हेन एन इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर इज ब्रॉट इन ए लाइव सर्किट, इनिशियली इट बिहेव्स लाइक ए वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। शुरू में एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर की तरह बिहेव करता है। व्हेन एंड इनिशियली, जैसे ही आपने स्विच बंद किया तो इसका चार्ज तो जीरो है, चार्ज जीरो है तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी जीरो है, पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है तो यानी एक वायर की तरह बिहेव करेगा। तो व्हेन एंड इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर इज ब्रॉट इन ए लाइव सर्किट, जिंदा परिपथ में लाया जाता है, लाइव जो एक्टिव सर्किट है
इज ब्रॉट इन ए लाइव सर्किट इनिशियली, शुरुआत में इट बिहेव लाइक ए वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। शुरू में आप इसको एक कैलकुलेशन के लिए जीरो रेजिस्टेंस का वायर मान सकते हैं। अच्छा, लंबे समय के बाद क्या होता है, जैसा मैंने आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लंबे समय के बाद क्या होता है कि इस सर्किट से करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। 10 मिनट पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको मिलेगा, लंबे समय के बाद इस सर्किट से करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। अगर करंट फ्लो करना बंद हो गया तो हम इस मतलब अब यहां से करंट जा ही नहीं रहा, तो हम इसको एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो लंबे समय के बाद, अगर शुरुआत में जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, शुरुआत में तो एक वायर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन लंबे समय के बाद ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, या लंबे समय के बाद ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वायर की तरह बिहेव करेगा। इसी के आगे मैं लिखता हूं, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट बिहेव्स लाइक, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट और वायर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, वायर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि शुरू में तो ये बिल्कुल जो भी करंट होगा उसको जाने देगा, एक जीरो रेजिस्टेंस के वायर की तरह भी हो गया, तो शुरू में बड़ा अच्छा स्वागत करेगा, शुरू में ये करंट को जाने देगा, कोई बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं पैदा करेगा, ठीक है। और लंबे समय के बाद जब बहुत काफी समय बीत जाएगा तो ये सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा, तो इसी कैपेसिटर का बिहेवियर जो है वो इनफाइनाइट सर्किट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह ये जो कैपेसिटर है बिहेव करने लगेगा। शुरुआत में बिहेवियर इसका जीरो रेजिस्टेंस के वायर जैसा होगा, लंबे समय के बाद ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के वायर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। तो जैसे अभी हमने देखा कि भाई कैपेसिटर का व्यवहार कैसा होता है, शुरू में ये जीरो रेजिस्टेंस के वायर की तरह बिहेव करता है और लंबे समय के बाद ये एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगता है। अब इस बात को हम लोग अप्लाई करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा जहां पर ये बात हम लोग अप्लाई करेंगे और लंबे समय बाद जो है कैपेसिटर का बिहेवियर और शुरुआत में जो बिहेवियर है वो एनालाइज करने जा रहे हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि एक ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये बैटरी का ईएमएफ ई है, स्विच लगा हुआ है और ये सी है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड करंट इन कैपेसिटर जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। फाइंड करंट इन द कैपेसिटर जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। ये शुरू में सब कुछ सिस्टम ऐसे ही था और हमने स्विच को बंद कर दिया, तो बंद करने के तुरंत बाद इसके अंदर क्या इसका करंट क्या होगा। तो अब इसको हम लोग ऐसे अप्रोच करेंगे कि देखिए, जैसे हम बंद करते हैं तो बंद करने के तुरंत बाद ये एक वायर की तरह बिहेव करता है। अगर ये वायर की तरह बिहेव करेगा तो ये जो वायर है, जो रेजिस्टर है वो तो रेजिस्टर बना रहेगा, लेकिन जो कैपेसिटर था उसकी जगह हमने एक वायर बना दिया, सिंपल एक सिंपल वायर बना दिया, क्योंकि शुरुआत में ये वायर की तरह बिहेव करने लगता है तो सिंपल वायर बना दिया। तो अब इस सर्किट से जो करंट जाएगा, करंट I की वैल्यू जो आएगी वो सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन R। तो स्विच बंद करने के तुरंत बाद, तुरंत जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, जो इसके अंदर करंट आएगा वो E बाई R आएगा, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और सवाल बनता है, इसी क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सवाल है, सबसे सिंपल सवाल जो कैपेसिटर का हो सकता है वो यही है कि स्विच बंद करने के तुरंत बाद इसमें करंट बताएं। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, फाइंड करंट इसी क्वेश्चन के अंदर, फाइंड करंट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय के बाद क्या करंट होगा। तो इसी के अंदर, इसी सवाल के अंदर ये आपसे पूछा गया है कि लंबे समय के बाद करंट की वैल्यू क्या होगी।
तो अगर हम लंबे समय के बाद करंट निकालना चाहते हैं तो लंबे समय के बाद ये जो कैपेसिटर होगा ये एक ओपन सर्किट हो जाता है या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो जैसे लंबा समय बीत गया, अब ये कैपेसिटर हो गया ओपन सर्किट हो गया, और ये ईएमएफ आ गया, ये आर आ गया, तो अब ओपन सर्किट है। लंबे समय के बाद ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बन गया या ओपन सर्किट बन गया, तो इससे गुजरने वाला जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे गुजरने वाला जो भी करंट होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो शुरुआत में जो करंट होगा वो ई बाई आर होगा, इससे गुजरने वाला जो करंट होगा वो जीरो आ जाएगा। एक और इसके अंदर सिचुएशन आती है, एक और सवाल आता है इसी के अंदर, अगला पार्ट इसका है, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम। लंबे समय के बाद ये जो कैपेसिटर है, ये जो भी कैपेसिटर है, लंबे समय के बाद इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी। तो अब देखिए, अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो लंबे समय के बाद इस सर्किट से कोई करंट तो जा नहीं रहा है। अगर कोई करंट नहीं जा रहा है तो मैं मान लेता हूं कि इसका जो चार्ज है यहां से यहां तक मैं केवीएल लगा देता हूं, चलो हाँ, यहां से यहां तक अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो यहां से यहां तक मैं जाऊंगा तो पोटेंशियल ई के बराबर बढ़ जाएगा। करंट चूंकि लंबे समय के बाद ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तो करंट तो कोई फ्लो कर नहीं रहा इसके अंदर, तो इसका जो ड्रॉप आएगा वो जीरो आ जाएगा, ई माइनस आई आर, आई जीरो है। और अगर इसके ऊपर चार्ज में क्यू मान लू तो यहां से यहां तक का जो ड्रॉप आएगा, किसी भी कैपेसिटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो क्यू बाई सी के बराबर होता है, तो माइनस क्यू बाई सी ये जीरो के बराबर हो जाएगा। फिर हम इक्की भी लगाए, यहां से चले यहीं पहुंच गए, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू सी आ जाएगी, चार्ज जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। और अगर अब चार्ज सी के बराबर हो गया तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड में यहां पर स्पेस है या इस जगह लिख देता हूं, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है यू, ये बराबर होती है क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो लंबे समय के बाद इस पर चार्ज सी के बराबर आ चुका है, तो ये हो जाएगा सी का होल स्क्वायर अपॉन टू सी या हाफ सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो लंबे समय के बाद जो एनर्जी स्टोर होगी वो हाफ सी स्क्वायर हो जाएगी, लंबे समय के बाद चार्ज सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल जो है वो हम लोग करेंगे डिस्कस। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको करते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहां पर एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई के बराबर है, और यहां पर एक रेजिस्टर लगा है, ठीक है, इस जगह पर एक रेजिस्टर लगा है, और यहां पर भी एक रेजिस्टर लगा है, यहां भी एक रेजिस्टर लगा है, और यहां एक कैपेसिटर भी लगा है, और ये स्विच जो है इस तरह से है, बैटरी का ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस सी के बराबर है। इनिशियली ये कैपेसिटर अनचार्ज था, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है, फाइंड द, अच्छा इस वायर के अंदर करंट हमने आई वन मान लिया और इसके अंदर हमने करंट आई टू मान लिया, तो जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई टू जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई वन एंड आई टू जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। स्विच बंद करने के तुरंत बाद आई वन और आई टू की वैल्यू आपको बतानी है। तो अब इसमें हम लोग इस तरह से इस प्रोसेस को रखेंगे कि आप तो अपना जो कैमरा है ना उसको दो मिनट के लिए पॉज कर दीजिए, स्टूडेंट्स आप दो मिनट के लिए पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद जो है आप इसको सॉल्यूशन देखिए कि आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दो मिनट पॉज करके फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। तो मैं तो इसका सॉल्यूशन देखिए बताने जा रहा हूं। ये स्विच बंद करने के तुरंत बाद, इसमें कंडीशन ये थी कि स्विच बंद करने के तुरंत बाद जो कैपेसिटर होता है ना वो बिहेव करता है लाइक ए वायर। तो जैसे मैंने स्विच बंद कर दिया, तो बंद करने के बाद कैपेसिटर की जगह मैं एक वायर बना दूंगा, कैपेसिटर जो है
इसके अंदर, इसकी जगह मैं एक वायर बना दूंगा। तो मैंने एक वायर बना दिया कैपेसिटर की जगह, ये कैपेसिटर हटा दिया, स्विच बंद करने के तुरंत बाद ये वायर की तरफ बिहेव करेगा। तो मैंने इस कैपेसिटर के बजाय सिंपल यहाँ पे एक वायर बना दिया, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये आर है और ये ईएमएफ ई के बराबर है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये आर और ये आर, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देखेंगे तो ये वाला आर और ये वाला आर पैरेलल में है, तो आर और आर जो होगा वो पैरेलल में आर बाई टू हो जाएगा, उसके साथ ये आर सीरीज में है, तो वो कुल मिला के सर्किट का जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा आर बाई टू प्लस आर, यानी 3R by 2 आ जाएगा इस पूरी सर्किट का। R और R पैरेलल में R by 2, उसके साथ सीरीज में R, तो इसका इक्विवेलेंट 3R by 2 हो गया। तो अब इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा, अगर इस सर्किट का करंट मैं I मान लूं, तो I जो आएगा वो बराबर हो जाएगा E अपॉन जो भी इसका रेजिस्टेंस है पूरा, इसका पूरा रेजिस्टेंस है 3R by 2, तो ये 2E अपॉन 3R हो जाएगा, ये टोटल करंट जा रहा है। अब ये जो करंट जा रहा है वो करंट आधा इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस तो बराबर है, तो आधा इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा। तो इसका मतलब कि I1 जो होगा और I2 ये दोनों आपस में बराबर होंगे और इसका आधा हो जाएंगे। तो I1 is equal to I2 is equal to E by 3R, यहां जाएगा। एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं दोबारा से। इसके अंदर क्या है कि जैसे ही हम स्विच बंद करेंगे, ये किसकी जगह एक वायर मान लिया हमने, तो ये कैपेसिटर की जगह वायर हो गया, फिर सर्किट को रीड्रॉ करा, रीड्रॉ करा तो R और R पैरेलल में तो R बाई टू, उसके साथ ये R सीरीज में तो 3R बाई टू। अब जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, करंट जो होगा वो I, वो E अपॉन 3R बाई टू हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसका टोटल करंट आ गया आधा, जो भी करंट इधर से जा रहा है आधा इससे जाएगा, आधा इससे जाएगा, तो I1 I2 E अपॉन 3R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर ये आया था ना कि स्विच बंद करने के तुरंत बाद करंट बताओ, तो इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, वो ये है कि ये जो सवाल है इसके अंदर स्विच हमने बंद किया, तो स्विच बंद करने के लंबे समय बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 लॉन्ग टाइम आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, long time after the switch is closed। स्विच बंद करने के लंबे समय के बाद I1 और I2 की वैल्यू बतानी है। फिर से आप दो मिनट का पॉज लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको दो मिनट का पॉज लेके सॉल्व करें और फिर देखें कि जो मेरा सोल्यूशन है उससे आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। लंबे समय के बाद क्या होगा कि यही कैपेसिटर एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगेगा और यहां से कोई करंट नहीं जा पाएगा। लंबे समय के बाद ही अपने अंदर से करंट नहीं जाने देता है, लॉन्ग टाइम के बाद। यही आपको समझना है इसके बिहेवियर में, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर अपने अंदर से कोई करंट अलाउ नहीं करता है। तो लंबे समय के बाद यहां से कोई करंट नहीं जाएगा। अगर यहां से कोई करंट नहीं जाएगा इसका मतलब ये है कि ये जो चीज आई टू थी ये आई वन थी। तो जो अगर कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बन गया, इसके ओपन सर्किट जैसा दिखा दिया मैंने लंबे समय के बाद, तो जो I2 है ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि लंबे समय के बाद कोई करंट इससे फ्लो नहीं करेगा। हाँ, इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन ये वाली ब्रांच जो है इस ब्रांच से तो करंट फ्लो कर ही रहा है। तो अब इस ब्रांच से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब जो I1 इसमें जा रहा है वही I1 इसमें भी जा रहा होगा, और ये दोनों, ये R और ये वाला R सीरीज में आ जाएंगे। अब अगर ये दोनों दोनों R जो है, ये R और ये R सीरीज में आ गए, तो अब क्या होगा, R और R सीरीज में आ गए, 2R हो गया, बैटरी का EMF के बराबर है। तो यहां से गुजरने वाला जो करंट होगा I1, इसकी वैल्यू हो जाएगी E अपॉन 2R, I1 E अपॉन 2R हो जाएगा और I2 की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक और इसके अंदर सवाल बनता है कि जैसे I1 और I2 की वैल्यू हमने निकाल ली, शुरुआत में निकाल ली, लंबे समय के बाद निकाल ली, अगला इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, फाइंड, लिख रहा हूं मैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय के बाद कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर निकालिए। दो मिनट का पॉज लीजिएगा, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, फिर जो मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं वो देखिएगा। हमें पता लगाना है कि जब लंबे समय के बाद इस कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए भाई, ये बात तय हो चुकी है कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इस रजिस्टर में कोई करंट नहीं जा रहा है,
अगर इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो रजिस्टर है ये यूजलेस है। भाई इस रजिस्टर में जब इसका ड्रॉप कितना होता है आईआर, अगर इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है, आईटू की वैल्यू जीरो हो गई लंबे समय के बाद, तो ये सिंपल एक वायर हो जाएगा। तो लंबे समय के बाद इस रजिस्टर को अगर मैं ना भी बनाऊं और इसकी जगह एक वायर बना दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। काम कैसे आसान हो जाएगा, लॉन्ग टाइम के बाद इस ब्रांच में करंट जा रहा है, बस इसी वाली ब्रांच में करंट जा रहा है और उसकी वैल्यू ई बाई टू आर है, तो यहां से यहां तक का जो ड्रॉप आएगा, यानी इस रजिस्टर का जो ड्रॉप आएगा यहां से यहां तक का, इसमें आई वन करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इस रजिस्टर का जो ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, वो आएगा आई वन इंटू आर यानी ई बाई टू, यानी कि इस रजिस्टर का ड्रॉप ई बाई टू होगा। अच्छा, क्योंकि ये वाला रजिस्टर तो यूजलेस हो चुका है, इसका तो कोई काम ही नहीं रह गया, तो ये वाला जो रजिस्टर है और ये कैपेसिटर, ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए, और अगर ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए तो इस रजिस्टर का ड्रॉप ई बाई टू है, तो कैपेसिटर का ड्रॉप भी ई बाई टू हो जाएगा। अब कैपेसिटर का ड्रॉप ई बाई टू के बराबर हो गया, तो कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी होती है, हाफ सीवी स्क्वायर, ठीक है, हाफ सीवी स्क्वायर के बराबर होती है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सी इंटू ई बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई एट, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये सी स्क्वायर बाई एट के बराबर आ जाएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने किया तो इसमें मुझे इनिशियल करंट पता चल गया। इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन इसके अंदर है, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इस कैपेसिटर के अंदर लंबे समय के बाद कितनी एनर्जी स्टोर होगी, दो मिनट का पॉज लेंगे आप लोग, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। तो अब जैसे हमने ये बात की ना कि लंबे समय के बाद इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो हम तो ये जानते हैं कि लॉन्ग टाइम जब बीत जाएगा, काफी जब अधिक समय बीत जाएगा, तो इस सर्किट से जो करंट फ्लो करेगा वो जीरो हो जाएगा। अब इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, लंबे समय के बाद ये कैपेसिटर जो होता है इनफिनाइट रेजिस्टेंस बन जाता है, तो अब इससे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ये आई की वैल्यू जीरो आ गई। अब हम इस सर्किट के अंदर अगर एनर्जी स्टोर निकालना चाहते हैं, तो अभी लंबे समय के बाद हम मान लेते हैं कि इसका जो चार्ज है कैपेसिटर का, इसके ऊपर जो चार्ज आ गया वो इधर क्यों आ गया, इधर माइनस क्यों आ गया। अब अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो यहां से यहां तक जो है वो 2E बढ़ जाएगा, फिर यहां से यहां तक, चूंकि कोई लंबे समय के बाद करंट तो होगा नहीं, तो इस रजिस्टर का कोई ड्रॉप नहीं आएगा। फिर यहां से यहां तक जाएंगे तो चार्ज अगर इस पे क्यू है, तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल में कमी आएगी वो क्यू बाई सी के बराबर आ जाएगी, और फिर से जब यही पहुंच गए तो ये जीरो आ गया, तो क्यू इज इक्वल हो जाएगा 2C। अब अगर इस कैपेसिटर पे लॉन्ग टाइम के बाद चार्ज 2C है, तो इसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी, स्टोर्ड एनर्जी वो क्यू स्क्वायर बाई 2C के फार्मूले से जाती है, तो क्यू स्क्वायर बाई 2C करेंगे तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, 2C का स्क्वायर हो जाएगा 4C स्क्वायर, तो ये 4/2, तो ये 2C स्क्वायर के बराबर लंबे समय के बाद इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, खास वैरायटी के सवाल होते हैं जिनके अंदर दो चार्ज कैपेसिटर को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद पता लगाते हैं कि कितनी हीट पैदा हुई, कितना चार्ज फ्लो किया, किसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। तो ये खास वैरायटी के जो सवाल होते हैं, इनको मैं कैसे अप्रोच करते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें, ये कैपेसिटर है जो पहले से चार्ज है, 10 वोल्ट इसका ड्रॉप है और इसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेरेड, इसका 15 वोल्ट का ड्रॉप है और इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड। अब इसमें जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब सवाल इसके अंदर है, इफ ए इज connected with C and B is connected with D, find the charge flow in circuit. अगर हम A को C से कनेक्ट कर दें और B को D से कनेक्ट कर दें, तो इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा।
अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं, दो तरीके होते हैं, मैं दोनों मेथड आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। आप 3 मिनट का पॉज देंगे, खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। मैं दोनों मेथड आपको सिखाने जा रहा हूं। पहला जो मेथड है वो ये है कि ये ए ऑलरेडी जो है ये चार्ज थे, जैसे इसका पोटेंशियल ड्रॉप अगर 10 वोल्ट है और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड है तो इसके ऊपर चार्ज कितना रहा होगा, इसके ऊपर चार्ज रहा होगा क्यू बराबर सीवी होता है, तो इस पर 10 होगा, इस पर -10 होगा। क्यू बराबर सीवी होता है तो इस पर हो जाएगा, इस वाली प्लेट पर जो चार्ज आएगा +30 और ये -30, ऐसा चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर। अब मैंने ए को कनेक्ट किया है सी से और बी को कनेक्ट किया है डी से, तो मैं थोड़ा सा अलग से ही फिगर बना ले रहा हूं। कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई है, इसके ऊपर था 10 -10 और इसके ऊपर चार्ज जो था वो 30 था, ये -30 था। ये बेसिक मेथड है जिसमें हम कोई ट्रिक वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बेसिक अप्रोच ये है, इस पे 30 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पे -30, इस पे 10, इस पे -10। अब क्या हो रहा है, कनेक्ट किया हमने तो कितना चार्ज फ्लो किएगा इसका पता लगाने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां से एक्स चार्ज निकल के चला गया, ये वाली प्लेट से एक्स चार्ज निकल के गया। अब ये जो एक्स चार्ज निकल के गया वो इस वाली प्लेट पे आ गया, यहां से जो निकल के जाएगा वो इस प्लेट पे आ जाएगा। अच्छा, आमने सामने की प्लेटों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता ही है, तो अगर इस पे एक्स +10 होगा तो यहां -10 -x होगा, यहां -x है, यानी यहां से एक्स चार्ज निकल के गया होगा, वो एक्स चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्स चार्ज फ्लो करेगा यहां से निकलेगा तो इस पे बढ़ेगा, फिर इस पे घटेगा, फिर इस पे बढ़ जाएगा। अब उसके बाद अगर हम देखें तो ये एक्स की वैल्यू हमें पता लगानी है। एक्स की वैल्यू पता लगाने के लिए हम स्टार्ट करेंगे यहां से, इस जगह से स्टार्ट करेंगे और केवीएल लगाएंगे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर अगर हम केवीएल लगाएंगे तो यहां से हम यहां तक जाएंगे तो पोटेंशियल घट जाएगा। अच्छा, किसी भी कैपेसिटर का जो ड्रॉप होता है, इसको ध्यान से सब लोग समझेंगे, किसी भी कैपेसिटर का जो ड्रॉप होता है वो होता है क्यू बाई सी, जहां क्यू उसके पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है। किसी भी कैपेसिटर का ड्रॉप क्यू बाई सी होता है, जहां क्यू उसके पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है। तो जब हम यहां से यहां जाएंगे तो इसमें पोटेंशियल घटेगा, और कितना घटेगा, क्यू पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है, एक्स +10 बाई सी, इसका कैपेसिटेंस कितना था 1 माइक्रोफेरेड। फिर हम यहां से यहां पहुंच गए, यहां से यहां तक कोई ड्रॉप नहीं होगा, फिर यहां से फिर इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और बढ़ेगा भी क्यू बाई सी, तो क्यू जहां पर पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है तो ये हो जाएगा 30 -x अपॉन, इसका जो कैपेसिटेंस था वो था 2, ये 0 के बराबर हो गया। सॉल्व करेंगे तो 15 -x/2 -x -10 इज इक्वल टू 0, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x/2 इज इक्वल टू 5, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 10/3 हो जाएगी। तो जो चार्ज फ्लो करेगा यहां से 10/3 निकलेगा, इस पर 10/3 जाएगा, इस पर -10/3, इस पर +10/3, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 10/3 के बराबर जाएगी। ये इस क्वेश्चन का पहला मेथड हो गया, फर्स्ट जो मेथड होता है जिसमें हम लोग सारे चार्जेस लिख करके और फिर KVL लगा के देख लेते हैं कि कितना चार्ज इसके अंदर फ्लो कर चुका है। अब इसी क्वेश्चन को करने का जो सेकंड मेथड है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, दूसरा वाला जो तरीका है वो मैं सिखाने जा रहा हूं। दूसरे तरीके में जैसे हमने इन दोनों को इस तरह से जोड़ दिया तो जो यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप है इन दोनों का सेम आ जाएगा। मैंने मान लिया कि कॉमन जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसको ए को सी से कनेक्ट करने के बाद, बी को डी से कनेक्ट करने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल आ गया वो बी आ गया। अच्छा, पहले इस पे चार्ज कितना था, ये वाला जो था इसके ऊपर चार्ज 10 था, तो अगर यहां से यहां तक का ड्रॉप वी के बराबर है तो इस पर चार्ज सी वी के बराबर होगा, कैपेसिटेंस इसका 1 है और ड्रॉप वी है, तो इस पर चार्ज आ जाएगा 1। ठीक है, और इस पर चार्ज आ जाएगा -1। अच्छा, ये वाला जो है इसके कैपेसिटेंस 2 था और ड्रॉप, तो इसका भी 2 के बराबर है, तो इस पर चार्ज आ जाएगा 2 यूनिट। ठीक है, एक मिनट, हाँ नहीं, 1V इस पे आएगा और इस पे -1V आएगा, और इस पे जैसे पोटेंशियल ड्रॉप V के बराबर है, कैपेसिटेंस 2V है, तो ये हो जाएगा 2V और -2V। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों प्लेटों का जो चार्ज होगा वो मिला के, या तो इस प्लेट से इस प्लेट पे चार्ज चला जाएगा, इस वाले से इस पे चला जाएगा, या इस पे जाएगा, लेकिन इन दोनों के चार्ज का जोड़ कांस्टेंट रहेगा। तो इन दोनों के चार्ज का जो भी जोड़ है वो कांस्टेंट रहेगा। तो पहले इन दोनों के चार्ज का जोड़ कितना था, 10 + 30 = 40 था, और अब कितना है, 1 + 2 = 3 है, तो 40 = 3 भी हो जाएगा। जो इसके इसके चार्ज का जोड़ है शुरू में, वही इसके इसके चार्ज का जोड़ होगा, तो 40 = 3 भी हो जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/3, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप इसका 40/3 आ गया। अब ध्यान से देखिए,
अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप 40/3 आ गया तो इस वाली प्लेट के ऊपर जो चार्ज होगा, सीवी चार्ज होता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वह जाएगा 1 × 40/3, तो यह आ गया 40/3। अच्छा, अभी इसके ऊपर चार्ज 40/3 है और पहले इसके ऊपर चार्ज 10 था, तो आपसे ये पूछा ना फ्लो कितना करेगा, तो अभी 40/3 है और पहले इसके ऊपर 10 था, तो फ्लो करके कितना गया होगा, 40/3 - 10, तो ये किसके बराबर जाएगा, 10/3 के बराबर, जो पिछले क्वेश्चन में आंसर आया था वही आ गया। भाई हमने क्या किया, इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, कॉमन पोटेंशियल आ गया, फिर इसका इसके चार्ज का जो जोड़ आएगा वो 3 आएगा, 3 भी आएगा, और पहले इसके चार्ज का जोड़ 40 था, तो 40 = 3 भी कर दिया, और 40 = 3 भी करने के बाद यहाँ से V की वैल्यू आ गई, फिर इस पे चार्ज फाइनल आ गया, इनिशियल हमें पता ही था, और फिर हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो वो चार्ज फ्लो की। अब जैसे देखिए, जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को मैं वेरिएबल में करने जा रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में क्या था, चार्जेस और पोटेंशियल की वैल्यू दी थी, इस बार मैंने मान लिया कि भाई ये चार्ज कैपेसिटेंस इसका C1 है, पोटेंशियल V1 है, इसका कैपेसिटेंस मैंने C2 मान लिया और पोटेंशियल V2 मान लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो ए पॉइंट है इसको हम सी से कनेक्ट करेंगे, अब बी को डी से कनेक्ट करेंगे। मैं लिख दे रहा हूं, इफ ए इज टू सी एंड बी इज टू डी, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर हम इसको ए को सी से कनेक्ट कर दें, बी को डी से कनेक्ट कर दें, तो इस सिस्टम का कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए इसमें तरीका यह होता है कि हम कॉमन पोटेंशियल, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था आपको, कॉमन पोटेंशियल को वी मान लेते हैं। अब कॉमन पोटेंशियल को वी मान लेंगे तो ये जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा C1V, इस पर -C1V। अब इसका भी ड्रॉप, अगर इसका ड्रॉप भी है तो इसका ड्रॉप भी वी होगा, तो इस वाली प्लेट पे चार्ज जाएगा C2V और इस पर -C2V। अब देखो, या तो इस प्लेट से चार्ज निकल के इस पर जाएगा या इससे निकल के इस पर आएगा, लेकिन इन दोनों प्लेटें, ये जो दो प्लेटें आपको दिख रही हैं, इनके चार्ज का जोड़ कांस्टेंट रहेगा। तो इनके चार्ज का जोड़ कांस्टेंट रहेगा, तो शुरू में इन दोनों पे चार्ज कितना रहा होगा, इस वाली प्लेट पर रहा होगा C1V1, इस पर रहा होगा C2V2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं C1V1 + C2V2। ये तो इन दोनों का इनिशियल चार्ज था, फाइनली इसके ऊपर चार्ज आ गया C1V और इसके ऊपर चार्ज आ गया C2V। तो जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा C1V1 + C2V2 / C1 + C2। ये एक रिजल्ट के तौर पे आप याद भी कर सकते हो, एक रिजल्ट है कि अगर दो कैपेसिटर है, सिर्फ कैपेसिटर है, बैटरी वैटरी नहीं है, और उन दोनों को आपने इस तरह से जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल आता है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। ठीक है, इसको आप याद भी कर सकते हो। अब इसके अंदर एक और सवाल पैदा होता है, कई बार पूछते हैं कि भाई इस सिस्टम के अंदर हीट कितनी पैदा हुई। तो जैसे अगर हीट प्रोड्यूस्ड आपसे पूछी जाए, इसी में सवाल मैं लिख रहा हूं, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड, तो अगर आपसे हीट प्रोड्यूस इसी के अंदर पूछी जाए, तो हीट प्रोड्यूस निकालने के लिए क्या करेंगे। देखें भाई, जैसे मान लीजिए कि सिस्टम के पास, ऐसे समझे, अच्छा, हीट प्रोड्यूस के सवाल बहुत सारे कैपेसिटर्स में आते हैं, करंट में आते हैं, बहुत सारी जगहों पर आते हैं, मैकेनिक्स में भी आते हैं। तो हीट प्रोड्यूस के सवालों का फंडा ये होता है कि सिस्टम की शुरू में एनर्जी आप देख लीजिए, जो सिस्टम था उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी, मान लीजिए 100 जूल थी, बाद में सिस्टम की एनर्जी 70 जूल हो गई, तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, जितना एनर्जी का लॉस होगा, वही हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि जो अनअकाउंटेड एनर्जी होती है, जिस एनर्जी का पता नहीं चलता कि वो एनर्जी कहां चली गई, वही एनर्जी जो है हीट प्रोड्यूस के बराबर होती है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर हीट प्रोड्यूस निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इनिशियल एनर्जी है और उसमें से हमको फाइनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करूं, तो जो एनर्जी, जो हीट प्रोड्यूस की वैल्यू आएगी, वो देखिए मैं आपको बताता हूं। इसी क्वेश्चन में अगर मुझे हीट प्रोड्यूस की वैल्यू निकालनी है, तो जो हीट प्रोड्यूस आएगा वो बराबर हो जाएगा, यहां पर इस सवाल में हीट प्रोड्यूस हो जाएगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। शुरू में जब दोनों कैपेसिटर थे तो उसके पास एनर्जी रही होगी हाफ ऑफ द C1V1 स्क्वायर, इन दोनों के पास एनर्जी ये रही होगी शुरुआत में, एक का ड्रॉप V1 था, एक का ड्रॉप V2 था, बाद में इन दोनों की एनर्जी होगी हाफ ऑफ द C1V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ द
सी टू वी स्क्वायर दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया। अब हम इसके अंदर अगर वैल्यूज पुट करें, हाफ ऑफ द सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ द सी टू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ द सी वन प्लस सी टू, और वी की वैल्यू जो हमने वहां से निकाल रखी है वो हो जाएगी सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर। और अब हम इसको अगर सॉल्व करें, इस पूरे को सॉल्व करें, थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फार्मूला बन जाता है इसके अंदर। जो फार्मूला इसके अंदर रेडी होता है वो होता है हाफ सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। ये इसके अंदर फार्मूला हो जाता है, इसको आप याद भी कर लेंगे, कई बार इस पर सवाल भी बनते रहते हैं। जो हीट प्रोड्यूस होती है अगर दो कैपेसिटर लगा दिए जाए पैरेलल में, बैटरी वैटरी नहीं है उनके अंदर, तो इस पर्टिकुलर केस में हीट प्रोड्यूस किया जाती है हाफ ऑफ द सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू। यहाँ एक बात नोटिस करनी होगी कि ये जो दो फार्मूले बने, जैसे ये वाला फार्मूला जो बना है, इसमें हमने पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से जोड़ा था तो ये फार्मूला बना था। अगर मैं पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ूंगा तो ये फार्मूला जो होगा, मतलब मैं लिखा नहीं रहा हूं लेकिन उसको आप एनालॉजी से बना लीजिएगा, अगर मैं प्लस को माइनस से जोड़ता तो ये होता सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। और ये फार्मूला जो होता अगर मैं प्लस को माइनस से जोड़ता, अभी तो देखो फिलहाल मैंने प्लस को प्लस से जोड़ा है, लेकिन माइनस से जोड़ता तो यहां माइनस के बजाय एक प्लस आ जाता, तो ये वी वन प्लस वी टू मतलब उल्टा हो जाता, यहां पे सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू हो जाता और यहां पे वी वन प्लस वी टू का होल स्क्वायर हो जाता। तो अगर दो कैपेसिटर्स को हम जोड़ते हैं तो जो हीट पैदा होती है वो इस फार्मूले से दी जाती है, कॉमन पोटेंशियल जो है वो इस फार्मूले से दिया जाता है। अब देखिए इसके अंदर जैसे चार्ज फ्लो में हमने दो कैपेसिटर वाले सवाल किए, दो कैपेसिटर में एक जनरल फार्मूला भी बना लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग तीन कैपेसिटर को जोड़ देते हैं, चार को जोड़ देते हैं, दो कैपेसिटर के साथ एक बैटरी लगा देते हैं, इस तरह की भी सिचुएशन होती है। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे एक सवाल ये आ रहा है, इसका वोल्टेज ड्रॉप है 10 वोल्ट, कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड, एक यहां पे दूसरा कैपेसिटर है, इसका जो ड्रॉप है वो 5 वोल्ट है और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे तीसरा कैपेसिटर है, थर्ड कैपेसिटर है, और इसका ड्रॉप जो है ये 20 वोल्ट है और कैपेसिटेंस इसका 2 माइक्रोफैरड है। ये पॉइंट ए है, इसको बी बोल दिया मैंने, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ। क्वेश्चन जो है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि हमने ए से E को टच करा दिया, नहीं इसको टच करा दिया, बी को हमने सी से टच करा दिया और इधर हमने डी को एफ से टच करा दिया, ठीक है, इसको इससे टच करा दिया, इसको इससे टच करा दिया, इसको इससे टच करा दिया। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड चार्ज फ्लो, फाइंड चार्ज फ्लो इन सर्किट, फाइंड चार्ज फ्लो इन सर्किट। इसके अंदर हमने ए से ई को जोड़ दिया, बी को सी से जोड़ दिया और डी से एफ को जोड़ दिया, तो इस सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा ये आपको बताना है। तो अब अगर हमें इस सर्किट का चार्ज फ्लो बनाना है तो इसमें हम लोग फंडामेंटल अप्रोच से चलेंगे। मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे बना लेता हूं। अब देखिए भाई, इस पे शुरू में चार्ज कितना रहेगा, ड्रॉप 10 वोल्ट का है, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है, तो इस पे चार्ज Q बराबर CV के हिसाब से 10 माइक्रो कूलम होगा, तो इस पे होगा 10, इस वाले पे -10, इस पे 1 × 5 तो इस पे 5 माइक्रो कूलम होगा, इस पे -5 होगा, इस पे 20 × 2 तो इस पे थोड़ा ज्यादा चार्ज होगा 40 और इस पे -40। अब आपसे पूछा गया कि भाई कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो अब इनिशियली चार्जेस तो ये थे, ए से ई को जोड़ा, बी से सी को और डी को एफ से। अब मैं मान ले रहा हूं कि इससे एक्स चार्ज निकल गया, एक्स चार्ज इससे निकल गया और एक्स चार्ज निकल के इससे जाके इस पे पहुंचा, तो अगर इस पे एक्स आएगा तो इन दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट होना होगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ माइनस एक्स, अगर यहाँ माइनस एक्स हुआ यानी से यहाँ से एक्स निकल के इस पे इधर गया होगा, तो ये 5 प्लस एक्स हो जाएगा,
फिर यहाँ माइनस फाइव माइनस एक्स होगा। अच्छा यहाँ माइनस एक्स होने का मतलब यहाँ से एक्स निकल के इधर से एक्स निकल के इधर आया होगा, तो एक्स इधर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे सिस्टम, मुझे एक्स की वैल्यू पता लगानी है तो इस पूरे सिस्टम पे मैं केवीएल लगाऊंगा। फिर से मैं बता रहा हूं, किसी भी कैपेसिटर का, इसको ध्यान से समझिएगा, किसी भी कैपेसिटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वी, वो क्यू बाई सी होता है, जहां क्यू उसके पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है। ये चीज आपको अच्छी तरह समझनी है। तो अब जैसे मैं अगर केवीएल लगाता हूं, मान लीजिए यहां से यहां तक पूरा, तो मैं भाई जितना पोटेंशियल घटा बढ़ा, जितना घटा बढ़ा, ऐसे करते हुए लिखता चला जाऊंगा। तो अब जैसे देखिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से आ जाऊंगा तो पोटेंशियल घट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। घटेगा कितना? Q by C, जहां Q पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है, X plus 10, और इसका C जो आया था, ये 1 था। फिर मैं यहां से आ जाऊंगा तो पोटेंशियल और घट जाएगा, ठीक है, और कितना घटेगा? Q by C, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज जो है वो है X plus 5, और C की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। फिर यहां से यहां तक कुछ नहीं होगा, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो पोटेंशियल फिर बढ़ जाएगा। इस बार देखो ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव, तो यहां से यहां तक जाने पे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? Q by C, जहां Q पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है, C की वैल्यू 2 है, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अभी हम इसको सॉल्व करें तो माइनस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स माइनस 5 माइनस 20 माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और हम इस पूरे को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा 5x बाई 2, नहीं यहां प्लस आएगा 40 बाई 2, यहां माइनस आएगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बाई 2 और 20 माइनस 10 माइनस 5, तो 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 5x by 2 is equal to 5 आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करने पे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर से मैं बता रहा हूं, यहां से यहां तक जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा? Q by C, जहां Q पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज था x by 10 by 1। फिर यहां से यहां तक और घटेगा, प्लस से माइनस जा रहे हैं, x plus 5 by 1। अब यहां से यहां तक जाएंगे तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और बढ़ेगा कितना? Q by C, जहां Q इसकी पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है, तो 40 माइनस एक्स बाई 2, सॉल्व करेंगे तो 40 बाई 2 हो जाएगा 20, इधर x बाई 2, तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 20 माइनस एक्स बाई 2, तो अब ये 5x बाई 2 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 के बराबर जाएगी। तो इस तरह से 2 या 3 या 4 कैपेसिटर भी लगा दिए जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि चार्ज कितना फ्लो करेगा।